आज किस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एक अमेज़ोन का छोटा सा लिस्टिंग ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। अब इस लिस्टिंग ट्यूटोरियल में क्या है, देखिए जब भी आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, अगर वो लिस्टिंग नहीं आती तो आप चैनल में आके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं तो आप लास्ट कॉलम में आते हैं सेफ्टी एंड कॉम्प्लाइंसिस के। तो अब इस सेफ्टी एंड कॉम्प्लाइंसिस के कॉलम में तीन चीज़ें आपको जो है नेसेसरी मिलेंगी भरने के लिए, कंपलसरी मिलेंगी। एक मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टैक्ट और पैकर, ये पैकर डिटेल्स होती है मतलब। अब ये तीन फील्ड्स आपको मिलती हैं जो कि भरना कंपलसरी है। अब बहुत से लोग होते हैं, खास करके नए लोग जो होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, अब इन तीन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता क्या भरना है और लिस्टिंग करना छोड़ देते हैं आधे में, ठीक है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ तीनों चीज़ों में क्या भरते हैं, ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं है जीवन में। फिर तो सबसे पहले ये फील्ड है मैन्युफैक्चरर की। अब मैन्युफैक्चर में क्या होता है, वैसे तो मान लीजिए आपका कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप उसमें मैन्युफैक्चर का नाम डाल लेते हैं, जो भी होता है, ABC XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अगर आपको मैन्युफैक्चर नहीं पता है प्रोडक्ट का, तो आप क्या करेंगे, तो मैन्युफैक्चर में यहाँ पे अपने शॉप का नाम, अपने मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट का नाम, फैक्ट्री का नाम कुछ भी डाल देंगे, ठीक है ना। जैसे मैं डाल देता हूँ पार्क जेनेसिस लिमिटेड, स्टोर का नाम है ये, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेप्ट, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट, अब मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट में क्या करना होता है आपको, ये जो आपने ऊपर डाला था ना पार्क जेनेसिस लिमिटेड, ये तो मैन्युफैक्चरर था, आपकी कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट में आपको क्या होता है, एड्रेस डालना होता है। आप कोई भी एड्रेस डाल दें, अपने घर का, अपनी शॉप का, अपनी फैक्ट्री का, ऑफिस का, जो भी है, मैं डाल देता हूँ। ये तो हो गया मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट। अब पैकर डिटेल्स में क्या है, पैकर डिटेल्स में जो आपने ऊपर ये डाला था ना मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट, अब इसका बदल के आपको जस्ट नीचे डालना है, मतलब बिल्कुल इससे अलग होना चाहिए। जैसे मैं पैकर्स में डाल देता हूँ 7/15 पार्क जेनेसिस एनक्लेव, ठीक है। तो अब मैंने तीन चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर भी, मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट भी और पैकर डिटेल्स भी, ठीक है। तो ये आपको बस इस तरीके से डालनी है, अगर आप बस ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऐसे डाल सकते हैं और सबमिट दबा सकते हैं, ऐसे बिल्कुल हो जाएगा। मैंने इससे कई सारी हंड्रेड्स ऑफ लिस्टिंग करी है इसी तरीके से, कोई दिक्कत का विषय नहीं है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।